हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26,000 की जो भर्ती आई है, इसके लिए एक खबर आपके साथ मैं लेकर आया हूं, साझा कर रहा हूं इस खबर को। देखिए, जिन लोगों ने पहले फॉर्म अप्लाई कर लिया है, अगर उन्होंने ये गलती करी है तो उनको फिर से फॉर्म अप्लाई कर ही देना चाहिए, और अगर आपने गलती नहीं करी है तो कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, देखो झारखंड सहायक आचार्य तो भर्ती जो आई हुई है, इसके लिए जो पेपर वन और पेपर टू है, आपको पता है कि ग्रेजुएट यानी कि 6 to 8 के लिए 4 पेपर देने होंगे, और आपका जो 1 to 5 है उसके लिए अलग से पेपर आपको देना होगा। जिन लोगों ने डीएलएड कर रखा है वो दोनों पेपर भर सकते हैं, 6 to 8 भी और 1 to 5 भी। बहुत सारे लोगों ने इसे अप्लाई भी किया है, जिन लोगों ने नहीं किया है फॉर्म एडिट करके अभी भी अप्लाई आप कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्या पेपर वन और पेपर टू में सेम लैंग्वेज रख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या नहीं आने वाली है। पेपर वन में भी आप वही लैंग्वेज रख सकते हो जो आपने पेपर टू में रखा है, यानी कि दोनों पेपर में आप सेम लैंग्वेज रख सकते हो। चलिए, ये तो पहली डाउट क्लियर हो गई। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्म रिजेक्ट होगा, ठीक कर लो इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसका। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि क्लास 10th में जो आपका पेपर है, अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, ऐसा इन्होंने कहीं कंपलसरी नहीं रखा है, लेकिन आम तौर पर जो आपने क्लास 10th में पढ़ाई करी है वही आपका पेपर वन होना चाहिए। क्लास 10th में जो लैंग्वेज होते हैं, सब्सिडरी वगैरह में भी अगर आपका लैंग्वेज पेपर है, जैसे कि मेरा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों लैंग्वेज पेपर था, तो मैंने हिंदी ही चूज़ किया है। आपका हो सकता है कि आपने उर्दू रखा हो तो आप उर्दू को लेकर आगे जा सकते हो 10th में एटलीस्ट, चाहे वो सब्सिडरी पेपर हो या फिर एक्स्ट्रा पेपर हो या फिर मेन पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो लेना ही पड़ेगा। एक पेपर आप 10th से ले लो, अगर दिक्कत है तो आप एडिट कर लीजिए, अगर आपने नहीं लिया 10th के अकॉर्डिंग तो आप उसे ठीक कर लीजिए। और आपको पता ही है पेपर वन सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, आप इसमें कितना भी नंबर ले आओ फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 30 या 33% है उतना ले आओगे तो आपका काम बन जाएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पेपर वन देखिए प्योरली जो है जैक बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस पे आधारित होने वाला है। जैसे हिंदी की बात करूं तो नेताजी का चश्मा, ये सब जो आपने पढ़ा है क्लास 10th में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल बनेंगे। तो याद रखिएगा, पेपर वन क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पेपर टू उस पर आपको काम करने की जरूरत है। पेपर टू एक्चुअली क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मेरी तरफ से आप लोगों को सलाह रहेगी, आप लोग रीजनल लैंग्वेज को ही चुने, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा खोटा, पंचपरगनिया, नागपुरी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी कहानियाँ बहुत ही सिंपल है, इनकी कहानियाँ जो है बहुत ही सिंपल है, और आप इसे आसानी से पढ़ सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हम लोग जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, जिससे आप पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री, पेपर वन आपको एज अ जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो दे दिया जाएगा, पेपर टू और पेपर थ्री के पैसे देने, पेपर वन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, और सूनर और लेटर बहुत जल्द जो हम लोग इस पे काम करेंगे, क्योंकि पेपर थ्री जो आपका है उसमें हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़कर तैयारी करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है यहाँ स्टैटिक्स जीके बन रहा है झारखंड में, क्योंकि ये एग्जाम पे टाइम पे ले नहीं रहे, तो ऐसे में करंट अफेयर्स को पढ़ना अभी के लिए एज ऑफ नाउ के लिए बेवकूफ़ी है, तो हम लोग उस पे काम नहीं करेंगे। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग थी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो प्लीज़ क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है पेपर वन आपके उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मेरी ये सलाह है, आप कर लो, और जो ज़्यादा होशियार हैं वो नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फॉर्म वन में जो पहले फॉर्म जिन लोगों ने भर रखा है, कोई छोटी सी भी गलती एरर हो गई है तो फिर से रजिस्टर करा लें, 100 रुपये में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, तो रजिस्टर कराकर आगे बढ़ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी जो है इस जानकारी को ले सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।